जब किसने पूछा श्री प्रभुपाद जी से व्हाट इज दिस इस्कॉन ऑल अबाउट, प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन इज ऑल अबाउट सिक्स वर्ड्स, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, दैट्स इट, इस्कॉन बस यही है, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, ISKCON, दैट्स इट, सिक्स लेटर्स हैं, सिक्स वर्ड्स, बस हमारा मिशन बड़ा क्लियर है, टू स्प्रेड हरे कृष्णा। और ये प्रीचिंग का जो रस है ये सबसे ऊंचा रस है, प्रचार का रस, सबको प्रचार करना चाहिए। एक समय इन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे इफ somebody इज नॉट प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस ही इज एक्सपीरियंसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली 50%। माय गॉड, डिस्टिंक्शन भी नहीं आई, ओ फर्स्ट डिविजन भी नहीं आया, ओ। तो इसीलिए प्रचार का रस सबसे अधिक जरूरी है। और प्रचार मतलब डजंट मीन व्यासासन प्रीचिंग, इट मीन्स वन टू वन प्रीचिंग एक्चुअली। और भक्त महाराज बोला करते थे देयर इज क्लासरूम कोचिंग एंड देयर इज ट्यूशन एज वेल, ट्यूशंस आर मोर इफेक्टिव वन टू वन। और ये सब कर सकते हैं, एनी वन, एवरी वन, माताएं हो, प्रभु हो, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, एवरी वन कैन डू दिस प्रीचिंग। जैसे भवानंद प्रभु से कुछ जब दीक्षा हुई थी तो प्रभुपाद ने बोला योर नेम इज भवानंद दास। पूछा श्री प्रभुपाद ये भवानंद दास का मतलब क्या होता है, बताया भव का मतलब है संसार, आनंद का मतलब आनंद, तो संसार में जो आनंद है तुम उसके दास हो। श्री प्रभुपाद ये क्या नाम हुआ, आध्यात्मिक आनंद का मैं दास नहीं हूं, मैं संसार में जो आनंद है उसका दास हूं। प्रभुपाद ने कहा संसार में कोई आनंद नहीं है, संसार में सिर्फ एक ही आनंद है, प्रचार का आनंद, और तुम उसके दास हो। सो यू आर द सर्वेंट ऑफ द ब्लिस ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर सर्वेंट ऑफ दैट ब्लिस। और ये आनंद गोलोक में भी नहीं है, वहां किसको प्रचार करेंगे, वहां किसको लेक्चर देंगे, वहां पर DYS डिस्कवर योर सेल्फ, किसके लिए, यशोदा मैया के लिए, उनको बताएंगे कृष्णा इज गॉड, गोबर लेके मुंह पे पोत देंगे यशोदा मैया, मेरे लाला कोई भगवान नहीं है, नारायण भगवान है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ही खराब है तुम्हारी। तो प्रीचिंग तो दैट वेज, वो तो रस सिर्फ इस जगत में ही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस, हमारा काम क्या है, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एंड मोर वी गिव कृष्णा मोर वी गेट कृष्णा, जितना हम कृष्ण को बांटते हैं उतना कृष्ण हमको मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है कि ना जो भक्त थोड़ा वीक हो रहा होता है भक्ति में, तो बोलता है नहीं नहीं मेरा लेक्चर मत रखवाइए, मैं भक्ति में बड़ा कमजोर चल रहा हूं, मैं मेरा लेक्चर मत करवा, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली जो कमजोर चल रहा है ना उसको कृष्ण का गुणगान जरूर करना चाहिए, सामने वाले का भला हो चाहे ना हो, एक व्यक्ति का भला जरूर होगा बोलने वाले का, तो बोलेगा हमें ध्यान से जपा करना चाहिए, तो सामने वाले को हंसता कन्विक्शन ना आए कि बिकॉज ये तो बुरा हाल है इसका, तो प्योरिटी इज अ फोर्स, प्योरिटी है नहीं बेचारे के अंदर, लेकिन जब बोलेगा ध्यान से जपा करो तो अंदर रहेगा भाई तू भी कर लिया कर यार। तो कभी अगर भक्ति में कमजोरी हो रिक्वेस्ट करिए प्रभु जी एक भगवद गीता लेक्चर मिल सकता है शाम का, और को सुने ना सुने, को भक्त बने ना बने, एक आदमी तो भक्त बने, मैं तो बनूं। सो व्हेन वी गिव कृष्णा वी गेट कृष्णा, हमारी भक्ति बढ़ जाती है जब हम कृष्ण का गुणगान करते हैं, तो उससे सबको प्रीचिंग करनी चाहिए। लाइक कैथलिक्स में इफ यू आर नॉट प्रीचिंग यू आर नॉट कैथलिक, तो हमें इस्कॉन डिवोटीज को भी मानना चाहिए, इफ आई एम नॉट प्रीचिंग आई एम नॉट एन इस्कॉन डिवोटी, हम सबको प्रचार करना चाहिए। और भालो परिवार नियोजन करते हैं, हम दो हमारे दो, पर हमारा परिवार नियोजन है हम दो हमारे दो करोड़, दैट्स आवर परिवार नियोजन, फैलाओ परिवार अपना, यस ओके। तो प्रभुपाद जी बोला यस, तो हमारा काम क्या है, वितरण करना, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट मर्सी।